नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मकर राशि को किन किन राशियों के साथ सावधान रहना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा दौर आता है कि हमारे मन में प्रश्न होता है कि इनके साथ बिजनेस करें कि न करें, या कोई नया काम शुरू करें या न करें, दोस्ती करें या न करें, या अपने जीवन की शुरुआत करें या न करें, साथ में घर गाड़ी साझा करें कि न करें। बहुत सी चीजें होती हैं जीवन में जब हमको किसी के साथ साझा करना होता है तो मन में विचार आता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम इसको जान सकें कि ये हमारे लिए शुभ होगा तो अशुभ होगा। तो आज इस वीडियो में हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे कि इनको कौन कौन सी राशियों के साथ विशेष सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर पे होता है उनकी मकर राशि होती है। इसका स्वामी शनि होता है। ऐसे लोग मेहनत करें तो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, लेकिन विकास थोड़ा सा स्लो होता है। परिवार अच्छा होता है, लेकिन जितना सपोर्ट इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कई बार वैचारिक मतभेद या खुद इतना अपने गट्स पे रहते हैं, खुददारी रहती है कि घर वालों से ज्यादा सपोर्ट चाहते ही नहीं है। मैंने देखा है इनके जीवन में किसी न किसी पक्ष से पीड़ा बनी रहती है। कई बार तो विवाह या प्रेम संबंध में भी समस्या देखी जाती है। शरीर में, पैरों में दिक्कत, हड्डियों में दिक्कत, अधिक वात बनना या पेट में दिक्कत होना, यह सामान्य घटना रहती है। अब आइए अपने मूल विषय पे आते हैं कि मकर राशि वालों को किन किन राशियों से खास तौर से सावधान रहना चाहिए। तो सबसे पहली जो राशि है मिथुन राशि। इसका स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि वालों के साथ कभी भी किसी ऐसी चीज का बंटवारा न करें या ऐसी किसी चीज को आपस में न बांटें और जिसमें साथ रहने में बाद में आपको विवाद हो। इन लोगों के साथ कोई भी मित्रता या कोई भी ऐसी चीज करते हैं तो वो भविष्य में आपको नई समस्या में डाल सकता है। अब दूसरी राशि की बात करें, सिंह राशि। यह राशि बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं है। इसके साथ अगर आपने कोई रिलेशनशिप किया तो आपको ज्यादा पीड़ा दे सकती है, यहां तक कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या पैदा कर सकती है जो आपको बीमारी या छूट चपेट या एक्सीडेंट तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम राशि जिससे इनको खास तौर से बचना चाहिए, वो है धनु राशि। धनु राशि के साथ अगर कोई धंधा ये करते हैं तो उसमें नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, और साथ में ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं कि जो आपके कार्य को खराब कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तीन राशियां हैं जिनके साथ मकर राशि को खास तौर से संभल के रहना चाहिए। अगर हम मकर राशि को एक विशेष चीज ध्यान देने के लिए कहें तो इनको अपने जीवन में शारीरिक कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। अगर इनको किसी भी चीज में आगे जाना है, विकास करना है आर्थिक सामाजिक, तो इनको हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। आलस्य से इनको अपने आप को हमेशा दूर रखना चाहिए। नमस्कार मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कुंडली दिखानी हो तो जरूर दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। सिद्धार्थ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।